Hello guys, welcome back with the another video on the chapter Directing. आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो डायरेक्टिंग है उसके एलिमेंट्स के लिए. आप इसको एलिमेंट्स कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, एस्पेक्ट कह सकते हैं. यानी कि जो हमारी डायरेक्टिंग होती है वो किन चीजों पे बेस होती है, या क्यों कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हमारी डायरेक्टिंग जो है वो और ज्यादा ईजी हो जाती है या और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका एक डिटेल रिव्यू समझेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो हमारी डायरेक्टिंग है उसके हमने चार टाइप के एलिमेंट डिसाइड किए हुए हैं, चार टाइप के एलिमेंट बनाए हुए हैं. कौन कौन से हैं वो? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. चार तरह के मेरे एलिमेंट हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सुपरविजन के बारे में. सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? हमारे फर्स्ट एलिमेंट के बारे में. तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है सुपरविजन. सुपरविजन इट मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय. यानी कि सुपरविजन में हम लोग क्या क्या करते हैं? सुपरविजन में हमारा काम होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना एंड ऑब्जर्व करना. किसको? हमारे एम्प्लॉयज को. कब? व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. यानी सुपरविजन का मतलब होता है, जैसे एक सिंपल लैंग्वेज पहले इसको समझते हैं. यहाँ पे जो वर्ड यूज है सुपरविजन, तो अगर जो सुपरविजन है ये दो वर्ड से मिलके बना है. जो मेरा वर्ड सुपरविजन है ये सुपरविजन दो वर्ड से मिलके बना है, सुपर और विजन. सुपर का मतलब होता है अबव, यानी ऊपर वाला, और विजन का मतलब होता है निगरानी करना, चेक करना, नजर रखना. तो जब आपके ऊपर वाला जो पर्सन है या जो ऊपर वाला एम्प्लॉय है वो आपको चेक कर रहा है, आप पे नजर रखे हुए है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरविजन. तो वही चीज सेम मेरी यहाँ पे है कि सुपरविजन का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना जो आपके ऑब्जर्व करना एंड मॉनिटर करना आपके एम्प्लॉयज को. जो भी आपके अंडर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो वहां पे मैनेजर का रोल होता है कि वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें बताता है कि उन्हें क्या काम करना है, गाइड करता है कि कौन सा काम उन्हें कैसे करना है, कितने टाइम में पूरा करना है, कितने समय, कितना कॉस्ट उसमें आनी चाहिए, क्या उसके सारी चीजें होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग करना. मॉनिटरिंग का मतलब होता है उन्हें देखना, कुछ बताना नहीं है, कुछ कहना सुनना नहीं है, सिर्फ उन्हें ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जैसे कई बार टेस्ट होते हैं आप लोगों के, तो टीचर्स आपके बगल में आके खड़े हो जाते हैं और सिर्फ देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रॉपर खाली देखते हैं कि हाँ आप काम सही से कर रहे हो या फिर नहीं करोगे. चीटिंग वीटिंग तो नहीं है क्या है? क्यों? तो वो चीज है यहाँ पे. तो मॉनिटरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जिसमें हम लोगों को सिर्फ देखते हैं और समझते हैं कि ये काम प्रॉपरली कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. लास्ट मेरा आता है यहाँ पे ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जब हम सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब मॉनिटर में तो हम खाली उसको देख रहे हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं. ऑब्जर्व में हम उसको ये देखते हैं कि वो कितनी जल्दी चीजों को समझ पा रहा है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है, वो कितनी जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर पा रहा है और कितनी जल्दी बातों को समझ पा रहा है. यानी लर्निंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, अडॉप्टिंग पावर, ये तीनों अगर उसके अंदर अच्छी हैं तो वो हमारा चेक करना हमारा आता है ऑब्जर्व. तो सुपरविजन में हम अपने एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग चार चीजें करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं एंड लास्ट उनको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. और ये जो चारों चीजें हम लोग करते हैं, जो इंस्ट्रक्ट, मोटिवेट, इंस्ट्रक्ट, गाइडिंग, ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग है, ये सारी की सारी हम लोग तब परफॉर्म करते हैं जब मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं. अगर वर्कर बैठा हुआ है ऐसे, बैठा हुआ है, तो अगर मेरा वर्कर ऐसे बैठा हुआ है तो क्यों ऑब्जर्व करेंगे आप? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा. जब वो कुछ कर ही नहीं रहा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा. अगर वो बैठा हुआ तो उसे क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या गाइड करेंगे? कुछ नहीं कर सकते. तो किसी भी वर्कर को अगर ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, तो उसका बेस्ट टाइम होता है जब वो काम कर रहा हो. क्योंकि जब वो काम कर रहा होगा तब आप बता सकते कि ये तुमने गलत किया, इसको सही करो, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, इसी तरह करते रहा करो. तो
When they are performing the job, you are easily handled with the instructing, guiding and observing the techniques. पसंद में आ गई? चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मेरे मैनेजर, जो मेरा सुपरविजन है, उसकी नीड क्या है, क्या जरूरत है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में. तो सुपरविजन की क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, इस नीड को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी 8 कैटेगरीज में हमने 8 टाइप, मतलब 8 इंपॉर्टेंस कह लीजिए इसकी, 8 नीड्स होती है जो बेसिक हम लोग फुलफिल करते हैं. सबसे पहले आती है इंश्योरिंग इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. सुपरविजन के अंडर में ये कंफर्म हो जाता है कि हर पर्सन को जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो उसके सीनियर से ही आए. मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर रहा है, वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो उसके सीनियर्स ने ही उसको अलॉट किए हुए हैं. सीनियर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया था तभी वो काम कर रहा है, क्योंकि सुपरविजन है ना, ऊपर वाला आपको नजर रखे हुए, तो जब ऊपर वाला आप पे नजर रखे हुए तो उसी ने आपको काम दिया होगा. तो पहली जरूरत इसकी क्या हो जाती है कि आपको सुपीरियर से ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं और आपको टास्क मिलना, ऑब्जेक्ट गेम मिलना, टारगेट मिलना, वर्क मिलना शुरू हो जाता है. सेकंड मेरा आता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि जब आपको ऑर्डर्स आने लगते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या काम करना है. आज आपके बॉस ने ऑर्डर किया एक काम करना, आज जरा ये गोविंद, आज ये इस एरिया की ए मार्केट को देखाना, ए मतलब एक मार्केट का प्लेस का नाम है, मार्केट ए को देख लेना. आप मार्केट ए चले गए, बेटा एक काम करना आज मार्केट बी में चले जाना, आप मार्केट बी में चले गए. एक काम करना आज मार्केट सी में चले जाना, आप मार्केट सी में चले गए. एक काम करना आज मार्केट डी में चले जाना, तो आप मार्केट डी में चले गए. तो हर डे वो आपको एक नई मार्केट दे रहे हैं, तो आप एक डिसिप्लिन वे पे रह के काम कर रहे हो ना, कि आज ये मार्केट, कल ये, कल ये, कल ये, इस तरह से आपने सारी मार्केट्स कवर अप कर ली. क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, आपको कोई गाइड कर रहा है, तो आप एक वेल डिसिप्लिन वे में काम करेंगे, क्योंकि आपको किसी ने काम दिया है, आपके सीनियर ने काम दिया है, तो वो आपको कंप्लीट करना है. वही अगर वो आपसे खाली इतना कह दे कि अच्छा काम करो, महीने में 30 प्रोडक्ट भेज देना, बस ज्यादा नहीं चाहिए, 30 भेज दो, कहीं भी भेज दो, तो आपने क्या किया, एक दिन मार्केट में निकले 30 भेज के खड़े हो गए, बाकी 29 दिन मौज काट रहे. क्यों भाई, हमने तो 30 भेज दिए ना, आपने टारगेट जो दिया था हमने कंप्लीट कर दिया, अब कोई डिसिप्लिन ही नहीं. कभी ऑफिस जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कभी मन हो रहा तो काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो आपका काम डिसिप्लिन वे में नहीं होगा. बट अगर आपको इंस्ट्रक्शंस रिसीव हो रहे हैं, आपका बॉस आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो आप एक वेल डिसिप्लिन वे में रह के काम करेंगे. तो दूसरा फायदा हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, हम डिसिप्लिन हो रहे हैं. तीसरा इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी मेरे वर्कर्स हैं वो रिसोर्सेस का पूरी तरीके से, मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं. क्यों? वो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर गलत इस्तेमाल किया बॉस टोक देगा, वेस्टेज करी बॉस टोक देगा, नहीं सही से यूज कर रहे हैं बॉस टोक देगा. तो उन्हें पता है कि अगर हमने रिसोर्सेस को वेस्ट किया, हमने अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं किया, तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें डांटेंगे, वो हमें टोकेंगे, वो हमें बोलेंगे. इट्स बेटर कि आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं. या इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि जब आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, ऑब्जर्विंग हो रही है, सुपरविजन मिल रहा है, गाइडिंग मिल रही है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो आपको पता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बता रहे हैं ना, आपके सीनियर्स आपको बता रहे हैं कि कैसे करो. तो जब आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे तो आपके जो गलतियों के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और जब गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, और जब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे. नेक्स्ट मेरा आता है फीडबैक. फीडबैक का मतलब होता है आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है. जैसे हमने आपसे कहा बेटा ये पेज रीड करो, आपने तुरंत रीड कर दिया, हमें रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि आपने रीड किया ना पेज, तो हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया. तो अगर किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स हमें तुरंत रिसीव होता है कि उसने वो काम किया या नहीं किया. जैसे घर में आपसे पापड़ मिला, बेटा एक गिलास पानी ले आओ. अब अगर आपने लाके दिया तो भी फीडबैक मिला, आपने लाके नहीं दिया तो भी फीडबैक मिला. अगर आपने लाके दिया तो पॉजिटिव फीडबैक है, अगर आपने लाके नहीं दिया तो नेगेटिव फीडबैक है. तो सिंपल सी चीज है, फीडबैक का मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम. मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो काम करने को कहा था, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, क्या आउटकम निकल के आया है, वो मेरा कहलाता है फीडबैक. जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको एक मोबाइल फोन ला के दिया, बेटा ये लो मोबाइल फोन से इसको यूज करो. ठीक, एक तरफ हमने आपको सैमसंग ला के दिया,
एक तरफ वन प्लस दिया, एक तरफ एप्पल दिया, हमने तीन फोन आपको दिए, यूज करो और हमें बताना कौन सा कैसा है। आपने तीनों महीने पर इस्तेमाल किया, देन फिर आपने अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बताया कि सैमसंग में ये अच्छा है, वन प्लस में ये अच्छा है, एप्पल में ये अच्छा है, या ये सैमसंग बहुत बेकार है, एप्पल बहुत बेकार है, या वन प्लस बहुत बेकार है। तो ये आपके रिव्यूज थे ना, आपका रिजल्ट था, हमने कहा था चेक करो, आपने चेक किया और हमें बताया। तो जब आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं और इस रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं, हमें बताते हैं, वो मेरा कहलाता है फीडबैक। तो जब हमने आपको काम दिया होगा या किसी भी सुपीरियर ने अपने जूनियर्स को काम दिया होगा, तो वो जूनियर काम करेगा और काम करके उन्हें बताएगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों ही केसेस में वहां पे क्या हो जाएगा, आपको एक तरह से फीडबैक रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट कंट्रोल। फैसिलिटेट कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, आप आसानी से अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपने इंस्ट्रक्शन दिया था आज मार्केट ए जाना है, अब अगर वो नहीं गया तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों नहीं गए थे, हमने कहा था जाने के लिए, क्यों नहीं गया आज तुम, चलो जाओ, वो चला जाएगा। लेकिन वही अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन ही ना दिया हो तो वो कभी जाएगा मार्केट, कभी नहीं जाएगा, कभी एक दिन में दो दो बार जाएगा, कभी दो दिन में एक बार नहीं जाएगा। तो अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रॉपर उन्हें गाइड करते रहते हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उन्होंने काम आपके अकॉर्डिंग किया या फिर नहीं। तो फैसिलिटेट कंट्रोल, सुपरविजन के अंडर आपको लोगों को कंट्रोल करना इजी हो जाता है, क्योंकि आप उनको प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। तो जब आप उनको देख रहे हो तो आप आसानी से उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाती है। कैसे इम्प्रूव हो जाती है, भाई जब सीनियर हमसे कोई काम कह रहा है तो हम उनको फीडबैक देंगे ना, जब हम फीडबैक देंगे तो कम्युनिकेशन बढ़ा ना दोनों के बीच में, जूनियर और सीनियर के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ा। तो जब भी हमारे जूनियर और सीनियर या सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो उनके बीच में आइडियाज एक्सचेंज होंगे, थॉट्स एक्सचेंज होंगे, एडवाइस, सजेशन, ये सारी चीजों का एक्सचेंजमेंट होगा। तो उनके बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए वाइटल। क्योंकि जैसे मान लेते हैं, हमने अपने किसी जूनियर को बोला जाओ ये मार्केट करके आओ, अब वो मार्केट करने गया, अब मार्केट में क्या दिक्कत आ रही है वो तो वही बता सकता है ना, क्योंकि हम तो मार्केट गए नहीं है, हमने तो उससे बोला तब वो गया है, तो वो हमें बताएगा ना कि मार्केट में क्या दिक्कतें आ रही है। अब वही अगर हम उसे कोई बात ही ना करने दें, हम उसे काम ही ना करने दें, हम उसे टोकते ही रहे हमेशा, तो क्या होगा, जब हम उसे टोकते रहेंगे तो कभी भी वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो कभी भी फीडबैक पॉजिटिव नहीं है। तो मेरा क्या है, आपके सुपरविजन के अंडर में जब आपको गाइड किया जाता है, मॉनिटर या ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसमें कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट, मेंटेन ग्रुप यूनिटी। सुपरविजन के अंडर में एक जो मैनेजर होता है वो कई सारे लोगों को ऑब्जर्व करता है। जब वो कई सारे लोगों को ऑब्जर्व करता है तो वो सबसे बोलता है कि बेटा ग्रुप में काम करोगे, यूनिटी में काम करोगे, टारगेट जल्दी कंप्लीट होगा, अलग अलग काम करोगे, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा आपसे 1,00,000 प्रोडक्ट बेचने एक महीने में, 1,00,000 प्रोडक्ट एक महीने में बेचने। अब अगर हम वो एक बंदे को दे देंगे तो थोड़ा बेचना मुश्किल हो जाएगा उसको, क्योंकि 30 दिन के अंदर 1,00,000 सामान बेचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन वही हमने क्या किया, उस 1,00,000 को 10 लोगों में बांट दिया, 10,000 करके बांट दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप गोल हो गया। मेरा गोल एक ही था कि हमें 1,00,000 टारगेट अचीव करने थे, बट हमने उस 1,00,000 टारगेट को 10 लोगों में बांट दिया, तो अब 10 लोगों का बर्डन भी कम हो गया और मेरा टारगेट भी टाइमली अचीव हो जाएगा। तो सुपरविजन के अंडर में जब हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं या गाइड करते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन या गाइड में हमारी ग्रुप यूनिटी, यानी कि ग्रुप में काम करने की जो पावर है या जो चीजें हैं, वो हमें आसानी से मालूम पड़ जाती है। लास्ट मेरा आता है इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, और हम आसानी से सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आसानी से हम उसे मोटिवेट भी कर सकते हैं कि भैया देखो तुमने ये काम अच्छा किया, प्रमोशन हो जाएगा, ये काम अच्छा करोगे सैलरी मिल जाएगी, ये काम अच्छा करोगे ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है या जो मोटिवेशन है वो भी इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस हमारे सुपरविजन के। तो आज की इस क्लास में उन्होंने आज का जो अभी जो ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज सुपरविजन। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कुछ एडवाइस है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।